वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। जब मैं डॉक्टर मुंच से मिलने वहाँ पहुँची तो वो एहसास निदामत से अपना सर झुकाए बैठे थे। उनमें ना तो कुछ कहने की हिम्मत थी और ना मुझसे नजरें मिलाने की। वो चुप थे मगर मैं उनकी अनकही हर बात सुन रही थी। शायद उन्हें अपने ख्यालात समेटने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। मैं जानती थी कि जब ये खामोशी टूटेगी तो सदियों से सोया आतिशफिशां फट पड़ेगा और अपने अंदर दहकता हुआ सारा लावा उगल देगा। और ऐसा ही हुआ। उन मासूम बेकसूर लोगों के सहमे हुए चेहरे मेरी आंखों के सामने से नहीं हटते। उनकी चीखें मुझे आज भी सुनाई देती हैं, मुझे चैन से रात को सोने नहीं देती। जरा जरा सी आवाज पर मैं चौंक जाता हूँ। मैं अगर किसी कमरे में थोड़ी देर अकेला बैठ जाऊँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मैं अपने गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूँ मगर मुझे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर मुंच और मेरे हालात में जमीन आसमान का फर्क था। वो जालिम था और मैं मजलूम, लेकिन हमारी तकलीफ एक जैसी थी। मेरे सामने जिंदगी से हारा हुआ एक ऐसा शख्स बैठा था जिसका अंजाम मौत से भी बदतर था। उस शख्स को कोई क्या सजा देगा जो खुद बेसुकूनी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने डॉक्टर मुंच को एक मशवरा दिया। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ आउशविट्स के खंडरात देखने के लिए चलें और वहां जाकर एक कागज पर अपने सारे गुनाह लिख दें। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा करने से उनके दिल का बोझ शायद थोड़ा कम हो जाए। वो मेरी बात फौरन मान गए और 1995 में हम दोनों उस मकाम पर वापस गए जहां 50 साल पहले बर्बरियत की ये सारी दास्तां शुरू हुई थी। डॉक्टर मुंच ने एक कागज पर सब लिखकर साइन कर दिया और मुझे दे दिया। इतने सालों से मैंने अपने दिल में छुपे हर दुख तकलीफ ना उम्मीदी बेबसी और गुस्से के गिर्द एक बंद बांध कर रखा था। आज इस मकाम पर लौटने से वो बंद टूट गया और ये तमाम दफन जज्बात एक दरिया की तरह मेरी आंखों से जारी हो गए। उस लम्हे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम पानी से खून साफ कर सकते हैं मगर खून से खून नहीं। मैं सच्चे दिल से डॉक्टर मुंच को माफ कर देना चाहती थी मगर मुझे मेरे जज्बात का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिले। मैं बिना कुछ कहे वापस घर लौट गई। चंद माह बाद मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं डॉक्टर मुंच के नाम एक माफीनामा लिख दूं। मुझे यकीन था कि इससे उनके जहन को सुकून मिलेगा। पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद मैं चाहती थी कि कोई इसे पढ़े और मुझे इस पर अपनी राय दे। अपनी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पुरानी इंग्लिश प्रोफेसर को फोन किया। हम इस सिलसिले में दो दफा मिले और उनकी हिदायत के मुताबिक मैंने उस माफीनामे पर काम किया और उसे मजीद बेहतर बनाया। जब हम तीसरी बार मिले तो उन्होंने माफीनामा पढ़ा और मुझसे एक सवाल किया, तुमने डॉक्टर मुंच को तो माफ कर दिया मगर तुम्हारे असली मुजरिम तो डॉक्टर मैंगला है, क्या तुम उन्हें माफ कर सकती हो? मैं इस सवाल का जवाब जानती थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैंने साफ साफ कह दिया। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इस माफीनामे को लिखने में तुम्हारी मदद की है ना, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। आज शाम घर जाने के बाद तुम यूँ समझना कि डॉक्टर मैंगला तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम उनसे कहना मैंने आपको माफ कर दिया, फिर मुझे बताना कि ऐसा करने से तुम्हें कैसा महसूस हुआ। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। मैंने घर जाकर इस बात पर एक मुख्तलिफ तरीके से अमल किया। मैंने एक लुगत उठाई और उसमें से 20 नाजेबा कलिमात चुने और अपने पास एक लिस्ट की सूरत में लिख लिए। फिर मैंने बा आवाज़ बुलंद एक एक करके डॉक्टर मैंगला को बुरा भला कहना शुरू किया। मैंने दिल खोलकर उन्हें खूब गालियाँ दी। जब सारा गुबार सारी भड़ास निकल गई तो आखिर में मैंने कहा, इस सब के बावजूद मैंने तुम्हें माफ किया। हैरत की बात है, मुझे ये बचकानी हरकत करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। ये बात मुमकिन थी कि बहुत से लोग
मेरे इस फैसले से इत्तेफाक ना करते और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरा इरादा बदलने की कोशिश करे। मैं हमेशा ये समझती रही कि एक मजलूम कमजोर होता है और उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, मगर मैं गलत थी। मेरे पास ये हक था कि मैं अपने गुनहगारों को माफ कर दूं। ये एक ऐसी ताकत थी जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता था और मुझे पूरा इख्तियार था कि मैं जैसे चाहूं वैसे इस ताकत का इस्तेमाल करूं। इस वाहिद मामले में मैं अपनी मर्जी की मालिक थी। बदकिस्मती ये थी कि हमारे साथ जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना नजरिया तो बदल सकते हैं ना। अजियत के बदले अजियत देकर जिस तस्कीन की तलाश इंसान को होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ करने से ही आता है। जब माफीनामा तैयार हो गया तो मैंने एक बार फिर डॉक्टर मुंच को मुझसे मिलने की दावत दी। इस मर्तबा वो अपने बेटे, बेटी और पोती को भी अपने साथ लेकर आए। आउशविट्स पहुंचकर मैंने सबके सामने अपना माफीनामा पढ़कर सुनाया। हर लफ्ज के साथ मैं आजादी की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ती गई। 50 साल बाद मैं आउशविट्स और डॉक्टर मेंगला की कैद से सही मानों में रिहा हो गई और आखिर में मैंने उस तारीखी डॉक्यूमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। ईवा मोजिस कौर। मैं समंदर की तरह ठाठे मारता रहा, वो आतिश फिशां की मानिंद भड़कता रहा। मैं जुल्म सह कर भी मुस्कुराता रहा, वो सितम करके भी अश्क बहाता रहा। मैं मजलूम होकर भी फातह रहा, वो जालिम होकर भी शिकस्ता रहा। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।